ओके तो तुम्हारे नॉन स्केलेटन और स्केलेटन ग्रेन्स मैंने तुम्हें डिटेल से बताए थे कि एलोगेम्स क्या होते हैं, कार्बोनेट ग्रेन्स क्या होते हैं, और उसमें लिथोक्लास्ट, एक्स्ट्रा क्लास्ट ये सब, एंड द बायोक्लास्ट जो स्केलेटन मटेरियल तुम्हारे जो होते हैं वो, इसके बाद पिलोइड्स एंड ओइड्स वगैरह ये सब। सो मिक्राइट जो तुम्हारा होता है ना, मिक्राइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिक्राइट होता है तुम्हारा वो मतलब रॉक की मैट्रिक्स बनाता है। ये देखो ये तुम्हारा ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये सारी मैट्रिक्स है। और जो जो माइक्रोक्रिस्टलिन या फिर जो मिक्राइट होता है ना, ये तुम्हारा ना लाइम मड या फिर कार्बोनेट मड से बनता है। तो लाइम मड और कार्बोनेट मड अपन डिस्कस कर चुके थे, एक स्पेशल इसके करेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये डिवाइड ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसका किसी भी टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेकेंडली जो तुम्हारा स्पायराइट होता है ना, वो कंपोनेंट में कहाँ स्टैंड करता है? देखो जो ग्रेन्स हो गए तुम्हारे, ग्रेन्स के चारों तरफ एक लेयर बनेगी स्पेरी सीमेंट मटेरियल्स की, ठीक है? और ये बनता कैसे, ये डायजेनेसिस के टाइम पे तुम्हारे जो ओरिजिनल ग्रेन्स है या फिर जो मिक्राइट जो तुम्हारा कैल्साइट है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और तुम्हारा फॉर्म होता है क्या, स्पेरी कैल्साइट मिनरल्स। तो ये कार्बोनेट रॉक्स के बारे में था। अब डोलोमाइट रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि डोलोमाइट रॉक्स क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, इसके यूजेस एंड द कंक्लूजन ऑल्सो। सो फर्स्ट बेसिक थिंग, डोलोमाइट को ना डोलोस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनता कैसे है तुम्हारा, जब भी तुम्हारा कैल्शियम जो आयन हो ना मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस होगा तब तुम्हारा डोलोमाइट या डोलोस्टोन रॉक बनता है। तो डोलोमाइट रॉक ना दो टाइप से, इनका ओरिजिन ना दो टाइप से होता है। जो देखो जो पहला जो ओरिजिन होता है ना वो एंशियंट ओरिजिन होता है, और सेकंड जो ओरिजिन होता है वो तुम्हारा होता है कि सेकेंडरी ओरिजिन, रिप्लेसमेंट ओरिजिन। एंशियंट ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि रॉक तुम्हारी ना डोलोमाइट ही बनी हुई थी और डोलोमाइट का ही डिपोजिशन तुम्हारा हुआ था। लेकिन रिप्लेसमेंट ओरिजिन का मतलब ये होता है जब कैल्शियम आयन जो प्रीवियसली, जैसे तुम्हारा कोई लाइमस्टोन रॉक है और लाइमस्टोन रॉक से तुम्हारा मैग्नीशियम रिच फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है, तो उसके फ्लो से ना डोलोमेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है ना उनको रिप्लेसमेंट ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। मोस्टली रॉक क्या, 99% जो रॉक है ना तुम्हारी रिप्लेसमेंट ओरिजिन की है, और जो तुम्हारा एंशियंट ओरिजिन है, एंशियंट ओरिजिन के ना कोई एविडेंस है नहीं, तो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पता नहीं है अभी तक, कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी है नहीं। तो देखो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रैम्बोहेड्रल होता है। ये ना इसकी लेयर्स है, आयंस और कैटाइंस की अल्टरनेटिंग लेयर्स है। तो रोम्बोहेड्रल याद रखना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था। क्लास में ना टाइम पे आया करो, बाद में मैं अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम आयन के रिप्लेसमेंट से बनता है। तो ये कितना परसेंट इसमें ना कैल्शियम आयन का रिप्लेसमेंट हुआ है, इसके बेसिस पे ना ये थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है।
So first type is a high magnesium calcite, second type is the proto डोलोमाइट एंड द थर्ड इज स्टियोक्योमेट्रिक डोलोमाइट। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज द हाई मैग्नीशियम कैल्साइट। तो हाई मैग्नीशियम कैल्साइट में जो मैग्नीशियम सॉरी जो कैल्शियम जो तुम्हारा आयन होता है वो 0 से लेकर 32 मोल परसेंटेज तक रिप्लेस होता है, और प्रोटोटाइप में ये जो रिप्लेसमेंट होता है ना ये 55 से लेकर 60 मोल परसेंट इसके जो लैटेक्स में रिप्लेसमेंट होगा इतना होगा। जो स्टियोक्योमेट्रिक डोलोमाइट होता है इसमें ना 50-50 रेशियो होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों का रेशियो जो होता है तुम्हारा 50-50 होता है। तो ये देखो तुम्हारा हाई मैग्नीशियम एंड प्रोटोटाइप एंड स्टियोक्योमेट्रिक डोलोमाइट, जिसमें तुम्हारा ब्लू बॉल है ये कैल्शियम को शो करता है, और ये रेड मैग्नीशियम को, और येलो ऑक्सीजन को, और जो वाइट है ये ऑक्सीजन को। तो ये ना रैम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इसमें देख सकते हो कि ना कि जो अल्टरनेटिंग लेयर्स है एनाइंस और कैटाइंस की। देखो फॉर्मेशन ऑफ डोलोमाइट, फॉर्मेशन का डोलोमाइट मैंने तुम्हें बताया था, एक तो ना एंशियंट हो सकता है, जो एंशियंट जो तुम्हारे जो प्राइमरी डोलोमाइट्स है वो कुछ लेक्स और लगून में पाए जाते हैं। लगून्स अपन देखते हैं कि लगून्स क्या होते हैं, लगून्स भी एक टाइप के सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट होते हैं, और लेक्स तो तुम्हें पता ही है। तो और जो मेनली जो होती है वो रिप्लेसमेंट ओरिजिन की होती है। डोलोमाइट बनने के लिए दो मेजर कंसिडरेशन की अपने नीड होती है, जो फर्स्ट जो कंसिडरेशन हो गया सोर्स ऑफ द मैग्नीशियम आयन, और सेकेंड इज ना द प्रोसेस वेयर बाय द डोलोमेटाइजिंग फ्लूड इज पम्प थ्रू द कार्बोनेट सेडिमेंट्स। डोलोमेटाइजिंग फ्लूड का मतलब होता है मैग्नीशियम रिच फ्लूड, जो कि तुम्हारा जो प्रीवियसली जो कार्बोनेट सेडिमेंट्स है ना उससे पम्प होना चाहिए। लाइक तुमने बरसात में देखा होगा कि जो तुम्हारा रेन वाटर है वो सेडिमेंट्स के अंदर से परकोलेट होता है, तो इसी टाइप का जो परकुलेशन होगा कार्बोनेट्स अगर सेडिमेंट्स में डोलोमेटाइजेशन फ्लूड का अगर परकुलेशन होता है तो एक डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस होता है, तो एंड डोलोमाइट बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इसको अपन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डोलोमाइट, ये 5 मॉडल है जिन जिन 5 मॉडल से तुम्हारा डोलोस्टोन रॉक तुम्हारी बनती है। जो पहला हो गया तो मैं एवेपोरेटिव डोलोमेटाइजेशन, सीपेज रिफ्लेक्स डोलोमेटाइजेशन, मिक्सिंग जोन डोलोमेटाइजेशन, फोर्थ इज बायल डोलोमेटाइजेशन एंड फाइव इज द सी वाटर डोलोमेटाइजेशन। ठीक है, इन सब में ना टाइप ऑफ डोलोमेटाइजेशन फ्लूड अलग होगा, इनका मोड ऑफ फ्लो अलग होगा, और उनकी जियोलॉजिकल सेटिंग अलग होगी। जब भी हम रॉक का फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना उसमें ना जियोलॉजिकल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जियोलॉजिकल सेटिंग कुछ भी हो सकती है। आज से ना 365 मिलियन ईयर अगो कौन सी जियोलॉजिकल सेटिंग थी इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इवेपरेटिव डोलोमेटाइजेशन, इवेपरेटिव अपन ने जब इवेपरेटिव रॉक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले जो प्रिसिपिटेशन होता है वो होता है जिप्सम का, देन रॉक साल्ट एनहाइड्राइट, लास्ट में एनहाइड्राइट का जिप्सम प्रिसिपिटेशन होता है। तो जैसे ही तुम्हारा प्रिसिपिटेशन होता है, तो जैसे कैल्साइट तुम्हारा प्रिसिपेट हो गया, तो जो फ्लूड बचेगा उसमें ना मैग्नीशियम का रेशियो ज्यादा रहेगा कैल्शियम के बजाय। अब जैसे ये फ्लूड ना जो रॉक तुम्हारी प्रिसिपिटेड हुई है उनके पोर्स में ट्रैप हो जाएगा, जब ये तो उनके पोर्स में ट्रैप हो गया तो जैसे ही तुम्हारा मैग्नीशियम रिच फ्लूड तुम्हारे कैल्साइट जो मिनरल्स है वहां पे प्रेजेंट है, तो तुम्हारा जब ओवरबर्डन बढ़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा एक डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इवेपोरेटिव डोलोमाइट्स बनती है। ये ना इंटरटाइडल सुपरटाइडल एंड सबाक्स एनवायरनमेंट में बनता है। देखो सबाक्स एनवायरनमेंट होते क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा ना एक सबाक्स एनवायरनमेंट है। बेसिकली सबाक्स एनवायरनमेंट ना ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि तुम्हारा ना जो वाटर बॉडीज है ना उनके अलोंग साइड होता है। देखो ये ना रिस्ट्रिक्टेड कोस्टल बेसिन्स होते हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि जो इसमें ना इनपुट जो इनपुट तुम्हारा जो वाटर आएगा उसकी रेट बहुत स्लो होती है। तुम देखो यहाँ पे देख सकते हो कि
कि जो ये इनपुट वाटर जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना, इनपुट वाटर की जो रेट है वो बहुत कम है इसमें, तो ये कि ना रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होगा। दूसरा ना अरिड और द सेमी अरिड होना चाहिए, क्योंकि इवोपरेशन जो रेट है ना वो तुम्हारा सेमी अरिड और अरिड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वहां पे इवोपरेशन होगा ही नहीं तो तुम्हारा मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये सेमी अरिड और अरिड कंडीशन में कोस्टल एरिया, रिस्ट्रिक्टेड जो कोस्टल प्लेन्स है ना वहां पे बनता है। और सुपर टाइडल का मतलब होता है कि जो तुम्हारी जो हाई टाइड्स हो गई ना उनके लेवल से अबव होगा। अगर तुम्हारे जब हाई टाइड्स आती है ना, तो हाई टाइड्स की वजह से जो वाटर है तो तुम्हारे इस एनवायरनमेंट में इनपुट नहीं हो पाएगा। देखो ये जो इसका जो लेवल है ना, इस सी के हाई टाइड लेवल से अबव है इसका, तो इस वाले एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, तुम्हारे सबाक्स एनवायरनमेंट, सुपर टाइडल एनवायरनमेंट। तो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जब तुम्हारा डिपोजिशन होता है तो तुम्हारा ना डोलोमाइट रॉक फॉर्मेशन के चांसेस बनते हैं। तो तुम्हारा इवोपरेटिव डोलोमेटाइजेशन मॉडल बोला जाता है इसको। सेकेंड आता है तुम्हारा सीपेज रिफ्लेक्स डोलोमेटाइजेशन। सीपेज रिफ्लेक्स डोलोमेटाइजेशन में क्या होता है कि तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा सी लेवल है, ठीक है, और ये तुम्हारा जिस इसके ऊपर ना ये तुम्हारी रोक है, ये और ये रोक है ना मतलब कैल्साइट मिनरल से रोक है, लाइमस्टोन इसको तुम मान सकते हो। इसके जस्ट ऊपर ना तुम्हारा ना लगून है और दे सबाक एनवायरमेंट है। अब क्या होता है कि ये सलाइन जो वाटर है ना, यहाँ से जो मैग्नीशियम रिच वाटर है ना परकोलेट होता है, और परकोलेट होकर जो पहले से एंशियंटली तुम्हारे लाइमस्टोन है ना यहाँ से इसमें ना परकोलेट करेगा और इस फॉर्मेशन में एंटर हो जाएगा। जब इस फॉर्मेशन में एंटर होगा तुम्हारे मैग्नीशियम रिच वाटर अगर तुम्हारा सोर्स आ गया वहां पे, तो तुम्हारा प्रोसेस होगा डोलोमेटाइजेशन, एंड टाइम के साथ जो ये रॉक है ना ये डोलोमाइट रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये पहले रॉक थी तुम्हारी लाइमस्टोन रॉक। तो लगून्स क्या होते हैं, देखो लगून्स ना एक मतलब कि साल्ट वाटर बॉडीज होते हैं ना जो सी से सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है, और ये ना नेचुरल वाटर बॉडीज से सेपरेटेड होते हैं। तो और सेपरेटेड किससे होते हैं कि सैंड बैंक्स और द कोरल रीफ से अलग हो जाते हैं। जो लगून्स होते हैं तुम्हारे, लगून की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये ना जो तुम्हारा जो सी लेवल है ना उस सी लेवल के बिल्कुल पास होंगे, और इसी सी लेवल से वो सेपरेटेड हुए होते हैं। और सेपरेटेड इज ना तुम्हारे ना सैंड बैंक्स या फिर कोरल रीफ से वो सेपरेटेड हो सकते हैं। देखो ये तुम्हारा सी है आसपास, लेकिन ना ये तुम्हारे यहाँ पे ना सैंड आ गया, सैंड की वजह से तुम्हारा एक अलग से एनवायरनमेंट बन जाता है जिसको तुम बोल देते हो लगून एनवायरनमेंट। यहाँ पे भी ना इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है तुम्हारी ज्यादा होती है नॉर्मली, क्योंकि रेट ऑफ द इनपुट वाटर बहुत कम है क्योंकि ये सेपरेटेड हो चुका है। सो द मिक्सिंग जोन डोलोमेटाइजेशन, ये बहुत इजी टाइप है। देखो मियोट्रिक, मियोट्रिक का मतलब होता है कि वो वाटर जो ना रेन वाटर है और जो परकुलेट हो रहा है सेडिमेंट से होकर फिर रॉक के अंदर जाता है तुम्हारा। इसमें ना देखो ये वाला जो तुम्हारा एरिया है ये रीफ कहलाता है। रीफ वो एरिया है जहाँ पे तुम्हारी ना लाइमस्टोन या फिर जो भी कार्बोनेट रॉक्स हैं यहाँ पे इनका कोरल रीफ का डिपोजिशन होता है जिससे ये बनती है। सी वाटर है, सी वाटर में तुम्हें पता है कि सारे आयन्स होते हैं और मैग्नीशियम आयन भी होता है। जब मैग्नीशियम आयन यहाँ से तुम्हारा परकुलेट होके यहाँ पहुँचता है, और रेन वाटर जो जो कि तुम्हारा फ्रेश वाटर है, ये दोनों वाटर जब मिलते हैं तो जब भी कोई डिफरेंट सैलिनिटी के दो वाटर अगर मिक्सिंग होते हैं तो उनसे प्रिसिपिटेशन होता है मिनरल्स का। जो तुम्हारा मिनरल प्रिसिपेट होगा वो डोलोमाइट होगा। तो इसको, इस मॉडल को मिक्सिंग जोन डोलोमेटाइजेशन मॉडल कहते हैं। एंड फोर्थ वन होता है तुम्हारा बरियल डोलोमेटाइजेशन। देखो बरियल डोलोमेटाइजेशन का मतलब ये है ना कि ये देखो कि जो तुम्हारी जो बेसिनल सेल्स होती है, सेल्स एक क्लास्टिक रॉक है, ठीक है, क्लास्टिक रॉक का जब डिपोजिशन होता है तो सेल्स में क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। और डायजेनेसिस के टाइम पे तुम्हारा CO3 आयन बनता है, और
जैसे ही तुम्हारा ओवरबर्डन बढ़ेगा, ओवरबर्डन बढ़ने के साथ वाटर का एक्सपल्शन होगा, और वो वाटर का एक्सपल्शन मैग्नीशियम रिच फ्लूड होगा। तो तुम्हारे पास मैग्नीशियम रिच फ्लूड भी आ गया और कार्बोनेट आयन भी आ गया। जब कार्बोनेट आयन और जब मैग्नीशियम रिच फ्लूड आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुम्हारा जो डोलोमाइट रॉक बनती है, तो बरियल डोलोमाइटाइजेशन इस मॉडल को कहते हैं। ये कैसे पता लगता है कि जो तुम्हारा ना कि जो वाटर का एक्सपल्शन होगा ये मैग्नीशियम रिच फ्लूड का होगा? इसके लिए जो स्टडी है ना, वो स्टडी ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्ले मिनरल्स, जो भी तुम्हारे क्ले मिनरल्स होते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बरियल के साथ और राइजिंग द टेम्परेचर। सो तो ये ना मैग्नीशियम आयन को और एफ आयन को रिलीज करते हैं। तो द लास्ट वन इज योर ना सी वाटर डोलोमिटाइजेशन। सी वाटर डोलोमिटाइजेशन में क्या होता है कि सी वाटर ना मैग्नीशियम आयन का रिच सोर्स होता है, और ये ना सोर्स किसी भी तरह से अगर किसी एंशियंट रॉक में ना पंप हो जाता है, तो उसकी वजह से तो तुम्हारे जो रॉक बनती है ना उसको ना सी वाटर डोलोमिटाइजेशन मॉडल में काउंट करते हैं। तो ये मॉडल भी बहुत सिंपल है। तो अब डोलोमाइट जो रॉक है उसका आइडेंटिफिकेशन अपन कैसे करेंगे लैब में? तो पहला ये है कि तुम्हारा अल्जीरियन रेड सल्फेट सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करेंगे डोलोमाइट रॉक पर। अगर उसमें कैल्साइट जो मिनरल होगा वो रेड ब्राउन में टर्न आउट हो जाएगा और डोलोमाइट जो तुम्हारा मिनरल है वो अफेक्टेड नहीं होगा। सेकेंड जो टेस्ट होता है तुम्हारा ना 10% HCl के साथ टेस्ट होता है पाउडर फॉर्म में। अगर ये पाउडर फॉर्म के साथ इफाजिनस साउंड दे रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है तो ये डोलोमाइट है। सो डी डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस। डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कैल्शियम आयन रिप्लेस होता है मैग्नीशियम आयन से। यह डी डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस डोलोमेटाइजेशन प्रोसेस का रिवर्स है। इसमें मैग्नीशियम आयन क्या होगा, रिप्लेस होगा कैल्शियम आयन से। एंड इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले डिजोल्यूशन ऑफ द डोलोमाइट, जो डोलोमाइट रॉक है उसका डिजोल्यूशन होगा। डिजोल्यूशन के बाद तुम्हारा कैल्साइट का प्रिसिपिटेशन होगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डोलोमाइटाइजेशन इज नोन एज द डी डोलोमाइटाइजेशन प्रोसेस। सो यूजेज ऑफ द डोलोमाइटाइजेशन प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज इज द ऑयल एंड द गैस रिजर्वायर रॉक। एंड सेकेंड यूज इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज द स्टील इंडस्ट्री, एंड द सोर्स ऑफ द मैग्नीशिया। एंड डोलोमाइट सर्व्स एज द होस्ट रॉक फॉर द मैनी लेड एंड द जिंक एंड द कॉपर डिपॉजिट्स। जितने भी तुम्हारे मिनरल्स हो गए, मेनली लेड जिंक और द कॉपर डिपॉजिट्स, उनके लिए ना डोलोमाइट रॉक एक होस्ट रॉक की तरह काम करती है। एंड डोलोमाइट यूज एज द पिगमेंट्स एंड द पेंट्स। जो पेंट पेंट तुम्हारे बनते हैं उनमें भी ये यूज होता है। डोलोमाइट इज द यूज इन द मेकिंग ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में भी डोलोमाइट का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डोलोमाइट तुम्हारा बहुत यूज होता है। कंक्लूजन क्या होता है कि डोलोमाइट है एक मेजर कार्बोनेट मिनरल है, और इसका फॉर्मेशन ना सेकेंडरी ओरिजन या फिर रिप्लेसमेंट ओरिजन से होता है। ये बहुत कॉमन है। डोलोमाइट में ना कैल्शियम आयन रिप्लेस होता है मैग्नीशियम आयन से, और एंशियंट डोलोमाइट जो तुम्हारी रॉक होगी ना उनका मैकेनिज्म ना अंडरस्टेबल नहीं है, वो पता नहीं है, अभी इतनी स्टडी हुई नहीं है। सो डोलोमाइट कैन हैव ए रिजर्वायर रॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डोलोमाइट के काफ़ी ज़्यादा यूजेज है स्टील इंडस्ट्री में और तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और जो मिनरल्स के लिए होस्ट रॉक भी हो सकती है तुम्हारी। अब कार्बोनेट रॉक अपन ने लाइमस्टोन पढ़ लिया, डोलोमाइट पढ़ लिया। अब कार्बोनेट रॉक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द फोक क्लासिफिकेशन, ये मतलब कि लैब्स में यूज होता है ओनली, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। सेकंड थोड़ा सा इजी है, डुनहैम क्लासिफिकेशन। ये ना एक्चुअली फील्ड में यूज होता है लेकिन इसको लैब में भी यूज कर सकते हैं। तो ये डुनहैम क्लासिफिकेशन एक्चुअली इजी। सो फोक क्लासिफिकेशन देखो, फोक क्लासिफिकेशन में ना द रोक क्लासिफिकेशन ना कार्बन रोक को दो ग्रुप में डिवाइड करती है। एक तो तुम्हारे ना एलोकेमिकल्स रोक्स हो गई, और तुम्हारी दूसरी होगी ऑर्थोकेमिकल्स रोक्स है। एलोकेमिकल्स रोक्स वो रोक्स है ना जो ग्रेन्स को कंटेन करती है,
और ऑर्थोगेमिकल जो रोग है ना, जो ग्रेन्स को कंटेन नहीं करती है, जो ऑर्थोकेमिकल जो रोक में जो तुम्हारा कार्बोनेट होगा ना, वो उसी जगह पे ना क्रिस्टलाइज हुआ होगा जहां पे उसका डिपोजिशन हुआ होगा। लेकिन एलोकेमिकल रोक्स में जो ग्रेन्स है ना, वो कहीं और से ट्रेवल करके आए होंगे, जो प्रोसेस तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ना, जब तुमने क्लास्टिक रॉक पढ़ी होंगी ना, उनके जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो भी इसी प्रोसेस से आए होते हैं। तो एलोकेमिकल और ऑर्थोकेमिकल दो टाइप की रॉक होती है, एक में ना ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे में ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो एलोकेमिकल जो रॉक हो गई तुम्हारी ना, उसमें ग्रेन्स हो गए तुम्हारे फॉसिल फेरस मेटेरियल, ओइट्स, पिलोइट्स, तो इंट्राक्लास्ट, इन सब ग्रेन्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो ये जो तुम्हारे जो ग्रेन्स है ना, ये जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स का भी मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, जो मैट्रिक्स होती है ना, वो तुम्हारी ना मिक्राइट होती है। मिक्राइट के माइक्रोक्रिस्टलिन जो कार्बोनेट होता है, वो तुम्हारा मैट्रिक्स का काम करता है। ये ग्रेन्स मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड का मतलब वहां पे ना घुसे हुए या फिर दबे हुए होते हैं। और तुम्हारा स्पेराइट मैंने बताया था कि ये मतलब कि लार्जर क्रिस्टल है ना, और लार्जर और विजिबल क्रिस्टल होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कार्बोनेट ग्रेन्स और मिक्राइट के इससे बनता है ड्यूरिंग द डायजेनेसिस। तो देखो अब ना क्लासिफिकेशन देखो, ये तुम्हारा ना एलोकेमिकल रॉक है, एलोकेमिकल रॉक और ऑर्थोकेमिकल रॉक। एलोकेमिकल में ना ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे और इसमें ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये तुम्हारे जो इंक्लाइन लाइन है ना, ये स्पेरिकैल्साइट को बताती है, और ये डॉटेड जो लाइन है ना, ये माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट को बताती है। अब एलोकेमिकल रॉक भी ना दो टाइप में, फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई है। तो पहले में जो तुम्हारे जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स तुम्हारा स्पेरी सीमेंट होता है, मोस्टली कार्बोनेट रॉक में मिक्राइट और माइक्रो क्रिस्टलाइट जो कैल्साइट होता है, वही मैट्रिक्स होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो स्पेरी सीमेंट जो तुम्हारा होता है, स्पेरी कैल्साइट होता है, वो भी मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। तो इसमें जो इंक्लाइन लाइट है, ये स्पेरी कैल्साइट है। देखो इसमें ना, ये ना जो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, स्पेरी कैल्साइट सीमेंट होगा। और ये तुम्हारे जो है ना इंट्राक्लास्ट हो गए, ये ऑइड्स हो गए, फॉसिल्स हो गए एंड द पिलट्स हो गए। ऑइड्स, फॉसिल्स, पिलर्स और इंट्राक्लास्ट के बारे में मैं तुम्हें डिटेल से बता सकता हूँ। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लासिफिकेशन में डिफरेंस यही है कि इसमें जो मैट्रिक्स होगा ये स्पेरिकैल्साइट का होगा, और इसमें जो मैट्रिक्स होगा ये कैल्साइट मैट्रिक्स, सॉरी, इसमें जो माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट होगा उसका मैट्रिक्स होगा। सो ऑर्थोकेमिकल रॉक्स में ना मिनरल्स तुम्हारे जो, सॉरी, ग्रेन्स है ना तुम्हारे एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्स मतलब नहीं मिलते हैं। तो माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट लेकिंग एलोकैम्स, एलोकैम्स मतलब ग्रेन्स ही हो गए तुम्हारे, ये ना माइक्रोक्रिस्टलाइन, ये पूरा ना पूरा मिक्राइट रॉक है। इसमें ना कंप्लीटली कोई ग्रेन्स नहीं है। तुम्हारी एस टाइप की जो रॉक आएंगी उसको ना ऑर्थोकेमिकल रॉक बोलेंगे। और ऑर्थोकेमिकल रॉक में तुम्हारी जो मतलब कि जो बायोमास हो गया तुम्हारा, बायोकेमिकल जो सेडिमेंट्स हो गए, मेनली जो कोरल्स तुमने पढ़े होंगे ना, जहाँ से जितने भी तुम्हारे तुम्हारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वगैरह जो तुम्हारी होती है ना, इसी टाइप की रॉक में होगी, इसलिए ना बायो लिथाइट रॉक इसको बोलते हैं। सो द क्लासिफिकेशन एलोकेमिकल और ऑर्थोकेमिकल, यहाँ पे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ट्रैवल करके आते हैं, ये ट्रैवल करके नहीं आते, ये बेसिन में जहाँ से ना रिक्रिस्टलाइजेशन से डिपोजिट हुआ हुआ होता है इनका। सो मिक्राइट में जो मोस्टली तुम्हारा होता है लाइम मड और कार्बोनेट मड ही होता है। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो देख लो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है। तो इसमें यही है, इसमें ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्राक्लास्ट, ऑइड्स एंड फॉसिल्स एंड द पिलट्स, लेकिंग ऑफ द एलोकैम्स, एलोकैम्स के इसमें लेकिंग होता है, मोस्टली मिक्राइट इसमें प्रेजेंट होता है। जो है ब्लू जो रिप्रेजेंट करता है स्पेरिकल साइट को रिप्रेजेंट करता है, और येलो जो रिप्रेजेंट करता है ये मिक्राइट को रिप्रेजेंट करता है। तो डुनहाइम क्लासिफिकेशन, ये ना ये ग्रेन को ग्रेन के सपोर्ट कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर ना क्लासिफाई है। ये भी ना इनिशियली कार्बोनेट रॉक्स को दो ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है। जो पहला जो ब्रॉड ग्रुप है ना, जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है, देखो तुम्हारे कार्बोनेट रॉक के तीन ही कंपोनेंट है,
एक तो तुम्हारा ना कार्बोनेट ग्रेन्स, सेकंड तुम्हारा मिक्राइट, तीसरा तुम्हारा स्पेरिक कैल्साइट। जो ओरिजिनल जो कंपोनेंट है ना वो डिपोजिशन के टाइम पे बाउंड नहीं थे, और सेकंड ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो डिपोजिशन के टाइम पे तुम्हारे बाउंड थे, और जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो उस टाइम पे डिपोजिशन के टाइम पे बाउंड थे वो कंसिस्ट होते हैं इंटरग्रोथ ऑफ द स्केलेटन मटेरियल। ठीक है, सो ये देखो, ये तुम्हारा ओरिजिनल कंपोनेंट नॉट बाउंड टुगेदर एट द डिपोजिशन, डिपोजिशन के टाइम पे जो बाउंड नहीं थे, और ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो डिपोजिशन के टाइम पे तुम्हारे बाउंड थे, ये इंटरग्रोथ ऑफ द स्केलेटन मटेरियल इन सब से बनते हैं। तो इन सब में जो रोक आती है ना उसको बाउंड स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो रोक, इस वाले में जो रोक आती है उसको बाउंड स्टोन कहते हैं। और ये जो ग्रुप है तुम्हारा ये ना फर्दर डिवाइड किया जाता है किस बेसिस पे, देखो कंटेन मड और लेक्स मड। अगर ये मड कंटेन करता है तो एक ग्रुप हो गया, और जो मड कंटेन नहीं करता तो ये सेकंड ग्रुप में हो गया। तो मड में ये वाला जो मड होगा ना ये कार्बोनेट मड नहीं रहेगा, ये पार्टिकल्स ऑफ द क्ले और फाइन सिल्ट साइज होगा। ये समझ ला, ये जो प्लास्टिक क्ले और जो सिल्ट है ना ये प्लास्टिक ग्रेन्स है, यहाँ पे कार्बोनेट की बात नहीं हो रही है। तो ये आगे ना फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एक तो ना मड सपोर्टेड और एक ग्रेन सपोर्टेड। देखो मड सपोर्टेड का मतलब क्या होता है कि वो रॉक जिसमें ना मड ही मड है सिर्फ, और मड कौन सा हो गया तुम्हारा क्ले और फाइन सिल्ट। ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, लेस देन 10% ग्रेन्स। इसका मतलब ये ना जो कार्बोनेट जो ग्रेन्स है ना वो तुम्हारे 10% से भी कम है, और जो बाकी जो बच गए 90% जो पार्ट है वो तुम्हारा ना मड मड है। तो पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड फाइन सिल्ट, ये हो गया तुम्हारा मड। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा मड स्टोन। ठीक है, अगर ग्रेन्स तुम्हारे 10% से ज्यादा है, ये तुम्हारे ग्रेन्स हो गए, ये 10% से ज्यादा है, और ये कौन से ग्रेन्स है, कार्बोनेट ग्रेन्स, तो इसको तुम्हें इसको इस रॉक को बोलते हैं वैगस्टोन रॉक्स। अब उन रॉक में मड लेक करता है, मड की कमी होती है। ठीक है, उन रॉक को ना ग्रेन सपोर्टेड रॉक्स कहा जाता है, और ग्रेन सपोर्टेड रॉक्स ना फर्दर टू पार्ट में ना डिवाइड होती है, पैक स्टोन एंड द ग्रेन स्टोन। जो पैक स्टोन जो रॉक होती है उसके जो पोर स्पेसेस होते हैं ना वहां पे तुम्हारा ना कुछ परसेंटेज ना मड मिल सकता है। देखो इसका क्लासिफिकेशन इस पार्ट में है कि है ना कुछ परसेंटेज तुम्हारा मड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो उनको ना पैक स्टोन बोलते हैं, और ग्रेन स्टोन उनको बोलते हैं जहां पे ना बिल्कुल मड तुम्हारा प्रेजेंट नहीं होता है। तो मड सपोर्टेड ग्रेन्स, तो इसमें ना तुम्हारे कोई भी ग्रेन्स जो इसमें ना तुम्हारा कोई भी मड नहीं रहेगा, और इसमें तुम्हारा स्मॉल परसेंटेज में मड हो सकता है। तो ये तुम्हारे दो क्लासिफिकेशन थे, दोनों ही क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फोक क्लासिफिकेशन एंड द तुम्हारा सेकेंड वन डुनहैम क्लासिफिकेशन। एक को लैब में यूज कर सकते हैं, दूसरे को फील्ड प्रोसेसर फील्ड पे यूज करते हैं मेनली। कोल जो रॉक है तुम्हारी, कोल रॉक भी बायोकेमिकल सेडिमेंटरी रॉक में आता है। और कोल के बारे में बताते हैं, कोल का ओरिजिन क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, तो कोल ना जो एंशियंट टाइम पे तुम्हारे जो प्लांट और वेजिटेशन थे उनका डिपोजिशन हुआ है स्वाम्प में, और बोगी, एक स्वाम्प एक एरिया होता है और एक बोगी टाइप का मटेरियल होता है वहां पे ना, सॉरी एक एनवायरनमेंट होता है स्वाम्प। स्वाम्प ऐसा एनवायरनमेंट होता है, देखो स्वाम्प ना वाटर, तुम्हारी जो वाटर बॉडीज होती है तुम्हारी, देखो स्वाम्प वो एरिया होता है जहां पे ना तुम्हारा पानी हल्का हल्का पानी भरा ही रहता है, तो उनको ना तुम स्वाम्प एरिया बोलते हैं। वहां पे इन सब का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन की वजह से तुम्हारा कोल का फॉर्मेशन होता है। और डिपोजिशन के बाद ना कई टाइप के फिजिकल और केमिकल तुम्हारे चेंजेस होते हैं, तो इसी प्रोसेस को ना कॉलिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है। जो तुम्हारा जो पहला मटेरियल जो तुम्हारा बनता है वो पीट होता है, पीट एक स्पंजी टाइप मटेरियल होता है ब्लैक डार्क कलर में, और उसमें ना वुडी फ्रेगमेंट्स तुम्हारे ज्यादा होते हैं।
और पीट, जैसे पीट बनता है, इसके बाद ना पीट बनने के बाद तुम्हारा बरियल होता है, और बरियल के साथ तुम्हारी डैफ इंक्रीज होती है, और डैफ बनने से तुम्हारा ना प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि जो पीट है ना, पीट तुम्हारा बढ़ता जाता है, और तुम्हारी ना डिफरेंट डिफरेंट रैंक तुम्हारी बनती है कोल की। जैसे तुम्हारा उसके बाद लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट बनने के बाद तुम्हारा कौन सा बनेगा, सब बिट्यूमिनस बनेगा, बिट्यूमिनस बनेगा, एंथ्रासाइट बनेगा। कोल का जो फॉर्मेशन होता है ना 365 मिलियन ईयर अगो, आज का जो कोल है ना वो 365 मिलियन ईयर अगो पहले बना हुआ था। सो ओरिजिन ऑफ द कोल, कोल का ना ओरिजिन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्लांट सब्सटेंस का और अल्टर इन द वेरिंग डिग्री बाय द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस। काफी सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं। रिएक्शन टाइम जो तुम्हारा होता है 365 मिलियन ईयर आगो। सो मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन, तो इसमें ना दो थ्योरी है कि पहला थ्योरी है इनसिटू थ्योरी। इस पहले थ्योरी में क्या क्या बताते हैं कि जो प्लांट्स ना सेम जगह पे ग्रो करते हैं और वहीं पे ना उनका अकोमुलेटेड हो जाता है, तो उनको ना इंस्टीट्यूट थ्योरी में कहते हैं। सेकंड जो थ्योरी है ना तुम्हारी क्या है कि ड्रिफ्ट थ्योरी है। ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या बताते हैं कि जो प्लांट्स और ट्री थे ना वो अपरूटेड हुए, ठीक है, और ड्रिफ्टेड हुए रिवर से और लेक से, और एक प्लेस पे आके ना डिपोजिट हुए। तो इंडिया में जो तुम्हारे कोल है आज के टाइम पे, वो ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे जो मोस्टली जो कोल है ना वो ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। वो पहले कहीं मतलब कि तुम्हारे लैंड प्लांट्स थे, वहाँ पे कोई भी वाटर बॉडीज तुम्हारी ओवर फ्लडेड हुई, ओवर फ्लडेड होने के बाद उनको ड्रिफ्ट कर लिया, मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पर लेके आ गए। और इंसिट्यू का मतलब होता है कि तुम्हारा कहीं स्वाम्प एरिया है, स्वाम्प एरिया में तुम्हारे बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब कि प्लांट्स ट्रीज होते हैं और उनका डिपोजिशन वहीं पे हो जाता है। लेकिन ठीक है, तुम्हारे जो पहले जो एक जो टाइम था ना उसमें जो पहले जो एक एरा उसमें जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड था ना, उस टाइम पे ना तुम्हारे ऐसे मानते हैं कि वो पूरा ना फॉरेस्ट से कवर्ड था। और इसका रीजन ये है कि ना कि वो उस टाइम का जो क्लाइमेट था ना बड़ा ही ह्यूमिड क्लाइमेट था ये। और ये टाइम था तुम्हारा 360 से लेकर 286 मिलियन ईयर अगो। तो ऐसा क्लाइमेट ना तुम्हारे जो ह्यूज ट्रॉपिकल सीड फंस और जाइंट नॉन फ्लावरिंग जो ट्रीज हैं उनको उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन रखते हैं। और जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना तो वास्ट स्वाम्प एरिया बनते हैं, और उसी टाइम के ना अपने को कोल कोल जो मिलता है ना इसी एरा का मिलता है मोस्टली, कार्बनिफेरस पीरियड टाइम का, पहली जोइक एरा में। सो लिविंग जो तुम्हारे प्लांट्स और ट्री होंगे वो डेड होंगे, फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद ना तुम्हारा प्रोसेस होता है क्या होता है, बायोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मेटेरियल। बायोडिग्रेडेशन में तुम्हारे ना बैक्टीरिया आएंगे, और बैक्टीरिया आने के बाद जो जो प्रोसेस होगा इसको ना डायजेनेसिस बोलते हैं। इसमें ना डायजेनेसिस बनेगा, और डायजेनेसिस के टाइम पे तुम्हारा जो बायो प्रोडक्ट होगा वो मेथेन होता है, ठीक है, मेथेन हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा, और डेप्थ ना बरियल सेडिमेंट्स के बरियल के साथ इंक्रीज होगा, तो लास्ट में जो प्रोसेस आ गया तुम्हारा द थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में तुम्हारा क्या हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो तुम्हारा ना कोल की जो रैंक और क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। सो फर्स्ट बनेगा तुम्हारा लिग्नाइट, एंड लिग्नाइट के बाद तुम्हारा सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस के बाद तुम्हारा एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट के बाद अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तुम्हारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो तुम्हारा ना प्योर कार्बन मेटेरियल है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी कोल की रैंक और ग्रेड बढ़ती है तो इसका कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है, और इसका ना मॉइस्चर कंटेंट और वोलेटाइल जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिक्रीज होता रहता है। जैसे ही तुम्हारे प्लांट्स डाइड होंगे, और मतलब कि बोगी वाटर्स में, बोगी वाटर्स का मतलब स्वाम्प ही लगा लो, स्वाम्प का एक दूसरा नाम होता है बोगी, ठीक है। और ये बोगी वाटर क्या होता है, यहाँ पे ना एक्सक्लूडेड सफिशेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे ना सफिशेंट ऑक्सीजन होती है जो तुम्हारे कोल के
एनवायरनमेंट चाहिए ना वहाँ, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट चाहिए एक्चुअली. और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट ना होना. लेकिन इस इनिशियल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी उनके लिए ना सफिशियंट तुम्हारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो पहले ना जो बायो प्रोडक्ट, इसीलिए तुम्हारा ना मीथेन गैस बनता है. तो सेकेंडली ऑक्सीजन प्रेजेंट क्यों होना जरूरी नहीं है इसका ये समझो. जहां जहां तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, वहां वहां पे तुम्हारा मेटेरियल ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और ऑक्सीडाइज जब मेटेरियल हो जाते हैं ना, तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि तुम्हारा मेटेरियल डिस्ट्रॉयड हो गया. और अपने को ना मेटेरियल को प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए रिड्यूसिंग एनवायरमेंट बहुत जरूरी है. सो एबसेंस ऑफ द ऑक्सीजन किल्ड द बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना उसको कंज्यूम कर लेते हैं. कंज्यूम करने के बाद ना इनके जीने के लिए ऑक्सीजन बचती नहीं है, तो बैक्टीरिया डाई बन जाते हैं. लेकिन जो इनिशियल जो प्रोसेस होता है वेजिटेशन, मतलब कि पीट में चेंज हो चुका होता है. और मतलब कि ये ना पीट देखो, ब्राउन स्पंजी और ब्लैक कम्पैक्ट इस टाइप का ना, इसमें ना वुडी फ्रेगमेंट ज्यादा होता है. और इसकी ना कंपोजिशन वेरी करता है. वेरी इसलिए करता है कि ना पहले के टाइम पे मान लो स्वाम्प 1 और स्वाम्प 2, उन दोनों में ना वेजिटेशन में फर्क हो सकता है. स्वाम्प 1 के टाइम पे वेजिटेशन कुछ और हो सकता है, और स्वाम्प 2 के टाइम पे वेजिटेशन कुछ और हो सकता है. ठीक है, पीट सबसे पहले बनता है, उसके बाद ही फॉर्मेशन ऑफ द कोल होता है. एक नॉर्मल जो तुम्हारी पीट के टाइम पे जो इक्वेशन होती है, नॉर्मल इक्वेशन है जो तुम्हारी जिसमें ना जो बायो प्रोडक्ट बनता है. देखो पिटिफिकेशन, इस प्रोसेस को पिटिफिकेशन बोलते हैं. पिटिफिकेशन के टाइम पे तुम्हारा मेथेन बनता है बायो प्रोडक्ट, और देन बनता है तुम्हारा CO2, देन H2. तो फॉर्मेशन ऑफ पीट देखो, या ना नेचुरल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया कि अगर 3 सेंटीमीटर लेयर तुम्हारी पीट की है, और उसके फॉर्मेशन के लिए तुम्हें ना 100 ईयर्स लगेंगे. इसको इमेजिन करके देखो, 3 सेंटीमीटर लेयर्स के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, वो 100 ईयर्स लगेगा. अब पीट के बारे में बताते हैं, ये लाइट ब्राउन फैब्रियस एट द सरफेस, एंड द जो कलर है ना वो डार्कर होता है तुम्हारा डेप्थ. फाइबर इसका ना जो टेक्सचर होता है वो फाइबर्स के इक्विवेलेंट होता है. टिपिकल कंपोजिशन, मॉइस्चर जो कंटेंट होता है ना 85% होगा. वोलेटाइल जो मैटर होगा तुम्हारा 8% होगा. और फिक्स्ड कार्बोनेट 1-4% होगा, और एस जो परसेंटेज होगा 3% होगा. ये टिपिकल कंपोजिशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है. पीट का कंपोजिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है. कैलोरीफिक वैल्यू होती है तुम्हारी 2730 किलो जूल पर केजी. तो अक्यूरेंस ऑफ द पीट ये एग्जाम्पल दे रखा है. एनवायरमेंट का जो नीलगिरी हिल्स और द बैंक ऑफ हुबली है, वहां पे तुम्हारा पीट का आज के टाइम पे अक्यूमुलेशन हो रखा है. तो अगर इसमें सन जो जो पीट को ड्राई करता है, और उसको ना यूजफुल फ्यूल फ्यूल के फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं. और जो पीट के ड्राइंग के बाद जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है कि 20% मॉइस्चर, वोलेटाइल मेटल 50%, और फिक्स्ड कार्बनिज 25%, और जो एस परसेंटेज होगा वो होगा तुम्हारा 5%. बल्क डेंसिटी होता है तुम्हारा 300 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, अब कौन कौन से प्रोडक्ट तुम्हारे ना पीट से बनते हैं. देखो चारकोल होता है प्रोड्यूसर गैस, ये ना आज के टाइम पे जो पीट है और उसको तुम अगर ड्राई करोगे, तो ड्राई करने के बाद चारकोल होता है प्रोड्यूसर गैस, तुम्हारे बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं. तो तुम्हारा ना प्लांट डेब्री, सबसे पहले तुम्हारे प्लांट होंगे, वो प्लांट का डिपोजिशन होगा. पहले सबसे पहले पीट बनेगा, इस प्रोसेस को पीटिफिकेशन कहते हैं. पीटिफिकेशन में बायो प्रोडक्ट्स मेथेन होगी, CO2 होगी, और सम H2 होगा. देन टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से तुम्हारा पीट ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द लिग्नाइट, एंड देन लिग्नाइट टू द ब्राउन कोल, एंड द ब्राउन कोल इज कॉल्ड द सब बिट्यूमिनस टू द बिट्यूमिनस ऑफ ए सेमी एंथ्रासाइट और एंथ्रासाइट, और लास्ट में डायमंड. डायमंड से पहले तुम्हारा एक ग्रेफाइट और आता है, इसमें ऐड नहीं है. सो दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पीट. सो इस टाइप का जो मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर जो पीट होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन अभी मैंने बताया था. पीटिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, पीटिफिकेशन प्रोसेस में ये बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तुम्हारी. सो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जियोकेमिकल थर्मोकेमिकल जो स्टेज होती है, जो पहला स्टेज होता है वो बायोकेमिकल होता है, सेकेंड जो स्टेज होता है वो तुम्हारा जियोकेमिकल स्टेज होता है. इस टाइम पे क्या होता है कि जो तुम्हारे जो डिकेड वेजिटेशन होता है वो
एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द क्रशिंग प्रेशर से सब्जेक्टेड होता है, मतलब कि पीट से ना सॉलिड मेटल बनने में तुम्हारे ना 100 मिलियंस ईयर्स अगो लग सकते हैं, जब इसके फॉर्मेशन में 365 मिलियंस ईयर अगर लगते हैं तो समझ तुम अनुमान लगा सकते हो कि कितना टाइम्स में लगता होगा। अगर 20 मीटर कंपैक्टेड वेजिटेशन मतलब कि रिक्वायर्ड होगा, 20 मीटर कंपैक्टेड वेजिटेशन 1 मीटर कोल को प्रोड्यूस करने के लिए। सो देखो 1 मीटर कोल अगर तभी प्रोड्यूस होगा जब तुम्हारा ना 20 मीटर कंपैक्टेड वेजिटेशन तुम्हारे पास डिपॉजिट हुआ होगा एंशियंट टाइम्स में। सो दिस इज द कोलिफिकेशन एंड द कोल फॉर्मिंग प्रोसेस। जो पहला प्रोसेस होता है तुम उसको बायोकेमिकल में होता है, बायोकेमिकल स्टेज में जो प्रोसेस होता है उसको पिटिफिकेशन कहते हैं, और पिटिफिकेशन के बायो प्रोडक्ट्स ना मेथेन CO2 एंड H2 होते हैं, और जो जियोकेमिकल जो स्टेज होती है ना उसमें जो प्रोसेस होता है उसको क्वालिफिकेशन और द कोयल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक्सटेंट टू इज द कोयल हैज द प्रोग्रेस डिटरमाइन द रैंक ऑफ द कोयल। सो देखो ये तुम्हारी रैंक्स हो गई, पीट लिग्नाइट सब बिट्यूमिनस, जो हाई वोलेटाइल बिट्यूमिनस एंड द मीडियम वोलेटाइल बिट्यूमिनस एंड द लो वोलेटाइल बिट्यूमिनस, लास्ट में एंथ्राइट। ये सारी ना रैंक और या फिर ना ग्रेड ऑफ द कोयल तुम बोल सकते हो, और ये सारी ना सेकेंडरी प्रोसेस में होती है जियोकेमिकल स्टेज में। इसी प्रोसेस को ना बिट्यूमिनस लिग्नाइट से लेके एंथ्रेसाइट तक, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो ये एंथ्रेसाइट का ना एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा एंथ्रेसाइट का। कंपोजिशन ऑफ द कोल, देखो कोल का जो कंपोजिशन होता है वो किस टाइप का होता है। जब तुम्हारा ना पीट था, लिग्नाइट था, ये सब ना जब तुम्हारा कोल तुमने ना एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको अंडर द माइक्रोस्कोपिक ना तुम एनालिसिस करते हो। कोल पे ना कई टाइप के एनालिसिस होते हैं, प्रोक्सीमेट एनालिसिस और सेडिमेंटरी एनालिसिस, नहीं सेडिमेंटरी नहीं होता तुम्हारा एक अप्रोक्सीमेट होता है, अल्टीमेट एनालिसिस होता है, ठीक है, चार टाइप के एनालिसिस होते हैं। तो उसमें ना ये पता लगता है कि तो नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द कोल्स क्या क्या होते हैं। देखो नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द कोल को टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस ना तुम्हारे ना प्लांट से आते हैं, और प्लांट के कौन कौन से पार्ट से आते हैं ना, ये रूट स्टीम, ठीक है, पोलन स्पोर लीव्स, ठीक है, बाक्स, इन सब से तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट आते हैं। जब इनको माइक्रोस्कोपिकली अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो इन सबको नाम दिया जाता है मार्शल्स। तो ये इनको सब डिवाइड करके मार्शल्स को आगे पढ़ते हैं डिटेल में। सो इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस, देखो इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस में तुम्हारा ना जो एस कंपोनेंट हो गया और सब कुछ तुम्हारे ना सेडिमेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। देखो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम देखोगे ना तो कोल ना ऑर्गेनिक पार्टिकल से बना हुआ होता है जिन्हें मार्शल्स कहते हैं। जैसे क्लास्टिक रॉक और नॉन क्लास्टिक रॉक तुम्हारी ना कुछ टाइप की सेडिमेंट्स ग्रेन से मिलकर बनी होती ना, उसी प्रकार जो कोल्स है ना, कोल्स भी तुम्हारे ऑर्गेनिक पार्टिकल से बने होते हैं मार्शल्स। तुम इक्विवेलेंट टू द ग्रेन्स, इक्विवेलेंट टू द ग्रेन्स इनको मान सकते हो। मार्शल्स होते क्या है, मार्शल्स ना अल्टर्ड रिमेन्स ऑफ द बायो प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मेटेरियल होते हैं। तुम्हारे प्लांट मेटेरियल के बायो प्रोडक्ट या फिर द अल्टर्ड रिमेन हो सकते हैं, और जिससे तुम्हारा ना पहले पीट से ये ओरिजिनेटेड होते हैं। मार्शल्स आर टू द कोल एज ए सेडिमेंट ग्रेन्स। मार्शल्स ना जैसे मतलब सेडिमेंट ग्रेन्स के इक्विवेलेंट मान सकते हो तुम, ठीक है। ये कौन से ग्रुप से इनको डिवाइड किया हुआ है, देखो इनर्टिनाइट्स, लिपिनाइट और वर्टिनाइट, ये तीन मार्शल्स हैं। इन तीन मार्शल्स के अंदर ना ये सब डिवाइडेड है, इनके अंदर बहुत से ना तुम्हारे मार्शल्स को रखा गया है। इनका कलर कैसा होता है, ग्रेनेस होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर। सो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, प्लांट्स के जो पार्ट होगा उनका डीके होगा, ठीक है, और उसके बाद जो रेजिड्यू बचेगा तुम्हारा पिटिफिकेशन प्रोसेस होगा, पिटिफिकेशन के बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशन प्रोसेस होगा, और क्वालिफिकेशन के बाद तुम्हारा प्रोसेस होगा मार्शल्स बनेंगे। ये मार्शल्स क्या है, जिससे कोल बना हुआ होता है उनको मार्शल्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो
विट्रीनाइट जो मार्शल्स हो गए ना, ये आगे जाके ना सब डिवाइडेड किए हैं इनके बारे में, मतलब कि अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। देखो जो तो विट्रीनाइट होता है वो किससे बना होता है, तुम्हारा रूट से, बाक से, ठीक है, प्लांट स्टेम से और ट्री ट्रंक से, इनसे बना हुआ होता है। तो लिपिटिनाइट किससे बना होता है, तुम्हारा लीफ मैटर, स्पोर्स, पोलन्स एंड एल्गल मैटर, इन सब से तुम्हारा लिपिटिनाइट बना होता है। इनर्टिनाइट, सो इनर्टिनाइट ये सब डिवाइडेड है, ठीक है, ये किससे बना होता है, देखो चारकोल जो तुम्हारा होता है ना, चारकोल वो होता है कि अगर स्वाम्प में कभी फायर लग जाती है ना, तो जो मेटीरियल है ना तुम्हारा, वो चारकोल बन जाता है, डिग्रेडेड प्लांट मेटेरियल। अब डिग्रेडेड प्लांट मेटेरियल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट था ना, वहां पे ऑक्सीजन सफिशियंट था और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं था, जिसकी वजह से प्लांट डिग्रेड हो गए, हाईली ऑक्सीडाइज हो गए नेचर में, और इनको ना जले हुए भी कह सकते हैं। तो रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा होती है और प्लांट जो मेटेरियल्स होता है उनका उनका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। सो ये इनके ओरिजिन हो गए, कौन से प्लांट की सेल से, कौन से वाल से बनता है, तो ये सब अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। सो ओरिजिन ऑफ मार्शल्स, तो ये वुडी टिश्यू ट्रीज मैंने तुम्हें ये बता ही दिया है कि रूट्स, बार को जो यही है ना, ये सब ओरिजिन में ही काउंट होंगे तुम्हारे। देखो कार्बन जो कंटेंट जो तुम्हारा होता है ना, वो मार्शल्स में ना इस प्रकार डिवाइड है तुम्हारा। देखो ये हाइड्रो और जो कार्बन जो तुम्हारा रेशियो ना, जो लिपिटिनाइट होता है उसमें ना हाइड्रोकार्बन का रेशियो तुम्हारा ना सबसे ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कार्बन का रेशियो सबसे कम होता है। इनर्टिनाइट देखो तुम्हारे ऑक्सीडाइजेशन से बनते हैं कि जो प्लांट मेटेरियल होता है उनका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और ऑक्सीडाइजेशन से बनते हैं तो इनमें ना ऑक्सीजन का रेशियो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मिलता है। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही ग्राफ अपन उसमें क्या बोलते हैं, ऑयल्स, मतलब कि ऑयल के ओरिजन या फिर गैस के ओरिजन में भी अपन पढ़ेंगे। ये होता है तुम्हारा, देखो पहले पीट बनता है, पीट के बाद लिग्नाइट, और ये सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस एंथ्रेसाइट। तो इनका ना ग्रेड इस प्रकार ना इम्प्रूव होता है, ये फिर ब्राउन होता है, फिर डार्क होता है, फिर इनका कलर ऐसे ऐसे चेंजेस हो जाता है, और जैसे इनका ग्रेड बढ़ता जाता है ना, इनमें ना कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता जाता है तुम्हारा, और ये मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोंग होता जाता है धीरे धीरे। ये ना बिटुमिनस कोल का रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का रिप्रेजेंट, बड़ा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो जब पीट बनेगा, पीट के लिए ना तुम्हारा टेम्परेचर होगा वो ना 50 डिग्री या 50 डिग्री से अबो सम, इतना तुम्हारा टेम्परेचर होगा, डेप्थ जो तुम्हारी होगी वो कम होगी। जैसे ही तुम्हारा डेप्थ ऑफ बरियल बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये फेवरेबल कंडीशंस कोल की रैंक के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तुम्हारा कोल हो गया, अब लास्ट देखते हैं तुम्हारा ना ऑयल सेल क्या होती है। ऐसे तो देखो तुम्हारी जो सेल है, हेलो एक्सक्यूज मी हेलो, सर, हाँ बोलो। सर अभी 12 बजे से क्या नया मैम की भी क्लास है, तो अच्छा, अपन यहीं तक कंक्लूड कर लें। चलो ठीक है, ये ऑयल सेल मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ठीक सर। है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है।